This is CMS Radio on FM 91.1. Our next program will be in Hindi, Radio Manpasand. आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद एफएम 91.1 पर और साथ ही साथ है रेडियो मनपसंद ऐप पर, जो आपके साथ होता है 24 घंटे सातों दिन आपके साथ में, आपके हाथ में। और मैं हूं आपके साथ आज किशोर नंगरानी, रविवार की इस सुबह 25 सितंबर 2022 को। आशा है आप सब आज के मौसम का आनंद उठा रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसी धूप देखने को मिल रही है आजकल, हमेशा बारिश ही होती रहती है। तो आशा है आपका वीकेंड बहुत ही खूबसूरत गुजर रहा होगा, खास करके आज का दिन। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं पहले तो ये चेक करता हूँ कि सब कुछ काम कर रहा है यहाँ पर स्टूडियो में, और आज मैं स्टूडियो 2 से बात कर रहा हूँ, तो नया स्टूडियो है और ज़रूरी होता है कि यहाँ पर माइक काम कर रहा है, कंप्यूटर काम कर रहा है और बाकी सब चीज़ें, रिकॉर्डिंग काम कर रही है। नहीं तो आपकी हालत जो है किंग चार्ल्स की तरह हो जाती है, जो नए नरेश हैं हमें, आपने सुना होगा कि उनकी कहानी, अभी जब वो नॉर्दर्न आयरलैंड में गए तो वहाँ पर उनका फाउंटेन पेन लीक हो रहा था, और ये हफ्ते में उनके साथ दूसरी बार हो रहा था। वो काफ़ी झल्ला उठे थे, कह रहे थे आई कांट बेयर दिस ब्लडी दिस थिंग एवरी स्टिंकिंग टाइम। जी हाँ, इनके साथ दो बार हुआ था, तीन बार हुआ था, ऐसी झल्लाहट कई बार होती है। अगर आप यहाँ आए तो आपको पता चले कि माइक काम नहीं कर रहा है या इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, और हमारी ज़िंदगी में, हमारी और आपकी सभी की ज़िंदगी में ये झल्लाहटें चलती रहती हैं, चलता रहता है। अब किंग चार्ल्स 73 ईयर्स के हैं तो शायद थोड़ी एज का भी ग्रम्पीनेस आता है, मैं भी उस एज में पहुंच रहा हूं जहां ग्रम्पीनेस होती है। खैर, झल्लाहटों की बात, आपको भी कोई कोई चीज़ें परेशान करती होंगी, लेकिन चलिए आज उन बातों को छोड़ देते हैं। फिलहाल दो घंटों के लिए आप रेडियो मनपसंद पर ये चैन से हमारा कार्यक्रम सुनिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हमने बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं आपके साथ। तो सबसे पहले तो आपको मालूम ही है कि आज का समय, ये जो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, अपना तीज त्योहारों का मौसम चल रहा है, कल से नवरात्रि शुरू हैं, उसके बाद दशहरा, उसके बाद दिवाली, तो त्योहारों की तो धूम मची हुई है। भारत हमारा देश अपने आप में एक त्योहारों का देश है, अपने आप में एक विविध परंपराओं का। आप कहीं भी प्रदेश में चले जाइए, विभिन्न प्रदेशों में वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ के वेशभूषा, वहाँ के नृत्य, संगीत, गीत सब विभिन्न है। ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है कि होबार्ट से लेकर आप केन्स तक या केप यॉर्क तक चले जाइए, वही मैकडोनल्ड्स आपको मिलेगा, वही कपड़े मिलेंगे, वही तरीका ही मिलेगा, कोई विभिन्नता नहीं है।
और यही भारत की खूबसूरती है कि वहाँ पर इस तरह की अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस फेस्टिवल के सीज़न में हाई कमीशन ऑफ इंडिया भारत में, भारत का जो उच्चायोग है यहाँ पर, वो आपके लिए यहाँ पर इंडिया लेके आ रहा है इस त्यौहार के मौसम में, फेस्टिवल ऑफ इंडिया के एक मनाया जाएगा इवेंट, और ये हो रहा है 8 अक्टूबर को लोलन हॉल में, जहाँ पर हमारे भारत के नृत्य, जो आपको मालूम ही है कि भारत में नृत्यों की कोई कमी नहीं है, क्लासिकल डांसेस, सेमी क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस, तरह तरह के नृत्य हो रहे हैं, तो उसकी एक झलक ही कह सकते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे का जो एक कार्यक्रम है उसमें केवल भारत की एक थोड़ी सी झलक ही दिखाई जा सकती है। लेकिन ये 2-3 घंटों की झलक जो होगी बहुत ही बेहतरीन झलक होगी, इसमें दिखाया जाएगा भारत के जो बेहतरीन क्लासिकल नृत्य हैं और साथ ही साथ फोक डांसेस हैं, उनकी आपको लोक नृत्य हैं उनकी एक झलक देखने को मिलेगी, और बहुत ही एकम्प्लिश्ड डांसर्स जो हैं, बहुत ही अच्छे डांसर्स, बहुत ही अच्छे नर्तक भरतनाट्यम के और साथ ही साथ लोक नृत्य के नर्तक आएंगे यहाँ पर उस दिन और अपनी कला प्रदर्शित करेंगे। तो ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है मिस नहीं करना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में हम उसका एक थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाएंगे। हम बातचीत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले जो डांस ग्रुप्स हैं उनके आयोजकों के साथ बात कर रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम में हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ दुखद समाचार भी हैं। आपको मालूम ही है कि प्रसिद्ध कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया पिछले दिनों। तो हम राजू श्रीवास्तव, उनकी आयु भी कुछ अधिक नहीं थी, उनको हम अपने एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे कैनबरा के जाने माने एक सीनियर सिटीजन श्री हेमंत कलशिकर, उनका भी निधन हो गया, उन्हें भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जी की 153वीं शताब्दी तो पहले ही हो चुकी है, 153 की बात कर रहे हैं, 153 वर्ष पूरे होने की बात, तो इस पर एक गांधी सिंपोजियम हो रही है, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हिंदी दिवस पर एक आपको कहानी भी सुनाएंगे। तो कार्यक्रम में बहुत कुछ है, आप सुनते रहिए कार्यक्रम। अगर आप हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, हमेशा हम आपको बुलाते रहते हैं कि आइए हमसे बात करिए, और बात करने के लिए आपको 6287-4347, या बात नहीं करना चाहते, टेक्स्ट करना चाहते हैं तो 0414-527-962 पर आपके टेक्स्ट का भी इंतज़ार होगा। जैसा कि बताया कि आज का कार्यक्रम नृत्यों पर है, तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक ऐसे ही नृत्य गीत के साथ, क्योंकि भारतीय फिल्मों में भी जो बॉलीवुड डांस की बात करते हैं वो भी इंस्पायर होता है हमारे क्लासिकल और सेमी क्लासिकल, साथ ही साथ ही फोक डांसेस की परंपराओं से, तो उसकी झलक देखने को मिलती है। आइए ऐसा ही एक गीत सुनते हैं, जिया जले दिल से। जिया चले जा चले नैनु तले धुआं चले धुआं चले कुंजरी दंजी कुंजी क्यों मुंदरी मुत्तोले जिंदी क्यों मंजरी वरन चुंदरी वावे कांगन नक्कत तगदी मियाडुं दंगनी लावे कुंजरी दंजी कुंजी क्यों मुंदरी मुत्तोले जिंदी क्यों मंजरी वरन चुंदरी वावे कांगन नक्कत तगदी मियाडुं दंगनी लावे चले जा चले नैनु तले धुआं चले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकेरी जिया चले जा चले नैनो तले धुआं चले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकेरी जिया जले Thank you.
ये गीत था फिल्म दिल से, गाया लता मंगेशकर जी ने था जी हाँ, और नृत्य पर आधारित ये गीत था। और नृत्यों की बात, जैसा कि मैंने कहा कि लोयलन हॉल 8 अक्टूबर को भारतीय नृत्यों के और संगीत से गूंज उठेगा, क्योंकि आपको मालूम है लोयलन हॉल अपने आप में एक सबसे बढ़िया हॉल है जहाँ तक कैनबरा का प्रश्न है। वहाँ की एकूस्टिक्स जो है उसका कोई उसका अपने आप में एक अलग तरह की एकूस्टिक्स है। कहीं भी बैठिए आपको आवाज़ बहुत ही सुंदर सुनाई देती है और हॉल भी बहुत अच्छा है। तो इस हॉल में हो रहा है फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसकी टिकट आप अगर बुक कराना चाहते हैं तो premierticketing.com.au पर करा सकते हैं, और मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये कार्यक्रम देखने योग्य होगा। तो आइए अब आपका आपकी मुलाकात कराते हैं पवित्र भट्ट से। पवित्र भट्ट जो हैं पवित्र आर्ट्स के आयोजक हैं, और वो ला रहे हैं इस फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भरतनाट्यम। जी हाँ, जब क्लासिकल डांसेस की बात होती है तो हम जानते हैं कि भारत में क्लासिकल डांसेस कथक हुआ गया, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया और भरतनाट्यम। लेकिन भरतनाट्यम का अपने आप में एक विशेष अलग स्थान है। वो सबसे एक तरह से नेशनल डांस या राष्ट्रीय डांस माना जाता है भारत का। तो इस भरतनाट्यम के और के लिए जहाँ तक पवित्र भट्ट का सवाल है, जब हमसे बातचीत करेंगे तो पता चलेगा कि वो पिछले 35 वर्षों से इसकी साधना कर रहे हैं। तो इतना खूबसूरत डांस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सुनते हैं उनके साथ इस बातचीत का पहला अंश पवित्र भट्ट जी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर। आपको मालूम ही है कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंडियन हाई कमीशन की ओर से यहाँ पर कैनबरा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 8 अक्टूबर को लोयलन हॉल में भारतीय संस्कृति और भारतीय नृत्य जगमगा उठेंगे, और उनमें एक जो है बहुत ही हमारे जो जाने माने नर्तक आ रहे हैं वहां पर भरतनाट्यम के डांसर हैं, वो हैं श्री पवित्र भट्ट, जो आज हमसे यहाँ पर जुड़े हैं। वो पवित्र आर्ट्स चलाते हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं इस परफॉर्मेंस के बारे में। पवित्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते सर। आप सबसे पहले अपने बारे में और पवित्र आर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं पिछले 35 ईयर्स से मैं भरतनाट्यम की तालीम ले रहा हूँ और उसका रियाज करता हूँ पिछले 35 ईयर्स से, और पिछले 20 सालों से मेरा जो इंस्टीट्यूट है मुझे सिखाने में बहुत दिलचस्पी थी बचपन से। तो उसके वजह से मेरे गुरुजी दीपक मजुमदार जी, जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें अगर इम्प्रूव करना है खुद को तो पहले सिखाने की भी कोशिश करो। तो उसी सिलसिले में हमने पिछले 20 साल के पहले सर मैंने मेरा डांस क्लास यहाँ पर डोंबिवली में मुंबई में मैंने शुरुआत की। हमारे पास यहाँ पर 300 बच्चे सीखते हैं भरतनाट्यम, और हम सिर्फ प्योर इंडियन क्लासिकल डांस सिखाते हैं। वी डू नॉट डू एनी मिक्सिंग ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ आर्ट्स फॉर्म इन दैट। एंड मेरे डांस क्लास का नाम है पवि, जो कि मेरा इट्स ऑल्सो माई पेट नेम, व्हाट माई पेरेंट्स कॉल मी। अच्छा। एंड उसी से हमने उसका फुल फॉर्म भी रखा कि पवित्रा आर्ट विजुअल इंस्टीट्यूट, बिकॉज भरतनाट्यम विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट। तो उसके वजह से ही हमने हमारे डांस क्लास का नाम पवि ऐसे रखा, एज पवित्र भट्ट। मैं पिछले 20 सालों से ऑल ओवर इंडिया भी परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे कि खजुराहो फेस्टिवल हुआ, NCPA हुआ, ऑल लीडिंग डांस फेस्टिवल्स इन इंडिया। पिछले 14 सालों से अमेरिका में भरतनाट्यम सिखाता हूँ मैं, और परफॉर्मिंग के लिए कनाडा, अमेरिका, दुबई, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में भी अभी पहली बार आ रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में आपका स्वागत है पवित्र। हम तो इंतजार कर रहे हैं आपके आने का और आपके डांस देखने का। थैंक यू सर। आपको मालूम ही है कि जहाँ तक भरतनाट्यम का प्रश्न है, भरतनाट्यम ज्यादातर भारत में और बाहर
महिलाओं या वीमेन जो ज्यादा सीखती हैं, लेकिन आप एक मेल डांसर हैं, एक पुरुष डांसर हैं, तो आपको कहाँ से ये भरतनाट्यम में इंटरेस्ट हुआ और एज ए मेल डांसर आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? जी सर, जब ही मैं 4 साल का था तभी तो हमें इतना तो कुछ पता नहीं होता है कि कौन सा स्टाइल सीखना चाहिए। बिकॉज मैं दक्षिण भारत भारतीय बैकग्राउंड से हूँ, हमारा गांव कर्नाटक है, तो इसके लिए हमारे घर पर कर्नाटक संगीत का बहुत सारा हिस्ट्री है। मेरी माँ खुद कर्नाटक संगीत गाती थी और बट मेरे पापा तो इंजीनियर है और मेरे बड़े भैया सर्जन है, इज अ डॉक्टर। बट वी हैव अ वेरी मिक्स्ड पीपल इन आवर फैमिली, बट देन स्टिल बिकॉज आई थिंक आर्ट्स वॉज ऑलवेज देयर इन द फैमिली, उसके वजह से मेरे माता पिता ने देखा कि मुझे बहुत दिलचस्पी थी डांस में। जैसे मैं 3 साल का हुआ चलने को शुरू किया कि मैंने डांस पर दिलचस्पी बताई। एनी काइंड ऑफ म्यूजिक वुड मेक माई लेग्स एंड हैंड शेक विद रोलिंग माई आईज ऑल अराउंड। फिर मेरे पिताजी ने यही कोशिश की कि जो भी नजदीक में डांस क्लास है वहां पर मेरा एडमिशन एनरोलमेंट हो जाए, और उसी सिलसिले में उन्होंने मुझे भरतनाट्यम क्लास में डाला जो घर के काफी नजदीक थी। एंड द जर्नी कंटिन्यूड। आज जब मैं खुद को देखता हूँ पीछे तो मुझे लगता है कि आई एम वन ऑफ दोज लकी पेरेंट्स हु पुट मी इनटू भरतनाट्यम। ये नहीं देखा कि ये लड़का है या लड़की है, उन्होंने मेरी दिलचस्पी देखी और मुझे भरतनाट्यम क्लास में डाल दिया। और हर एक जिंदगी के मोड़ पे मुझे इतने अच्छे गुरु मिले जो कि मेरे टैलेंट को देखकर उन्होंने बहुत अच्छी मुझे मेरे से अच्छी भरतनाट्यम करवा के लिए, और बहुत प्योर नॉलेज उन्होंने मेरे मुझे सौंपा है। तो उसी के वजह से फिर मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम डांस में, ऑफकोर्स आई डिड माय बैचलर्स इन कॉमर्स उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में, उसके बाद मैंने डांस में ही बैचलर्स और डांस में ही मास्टर्स भी की है भरतनाट्यम में फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी फ्रॉम चेन्नई। तो हर एक मोड़ में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कभी कोई कठिनाइयों का कुछ, आई हैव नॉट गॉट एनी ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, बस एक दृढ़ निश्चय था कि बस ये करना है, दैट्स इट। बट इट डजंट मीन दैट वी शुड नॉट गेट अवर प्रॉपर एकेडमिकल स्टडीज। उसी के लिए मैंने मेरी बैचलर्स इन कॉमर्स की, और मुंबई यूनिवर्सिटी में मुझे बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला था उसके लिए फॉर बीइंग वन ऑफ द टॉपर इन माय कॉमर्स। सो आई थिंक बीइंग एन आर्टिस्ट ऑफ कोर्स अ पैरेलल स्टडी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, अदरवाइज आपको बाहर का जो जग है वो नहीं समझता है। और ऑब्स्टिकल्स एज सच, यस, स्टडीज के साथ साथ बैलेंस करना डांस का करियर वॉज वेरी डिफिकल्ट। मेरे पेरेंट्स को छोड़ूंगा तो ऐसे काफी लोग आए बीच में जो कि मेरे पेरेंट्स को उकसाते थे कि इसको डांस क्यों करवाते हो, ये तो लड़का है, इसको तुम डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, किसी और में डालो, पर डांसर मत बनाओ इसको। पर मेरे पिताजी ने और माताजी ने कभी ये सुना ही नहीं, उन सुनते थे और उसे छोड़ देते थे कि वो उनको उल्टा जवाब भी न देते, बस उनको बोलते थे, सुनते थे, पर वो मुझे बोलते थे कि या दूसरे साइड में कि बेटा तुम करते रहो, तुम कुछ टेंशन मत लो, सब हमारा काम है, हम देख लेंगे। एंड द जर्नी जस्ट कंटिन्यूड एंड आई रियली फील ब्लेस्ड एंड लकी दैट आई हैव गॉट पीपल हु क्रिएटेड अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन। एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स आए वो शायद मेरे पिताजी और माताजी ने ही उसको मुझे मेरे पास आने दिया ही नहीं। ये तो मानना पड़ेगा कि आपके एक तरह से सौभाग्यशाली रहे हैं कि आपको इस तरह से सपोर्टिव पेरेंट्स रहे जिन्होंने आपको हमेशा प्रेरणा दी। जी, जस्ट एक बात मुझे ये स्ट्रेस करना होगा कि आपने जैसे मुझे प्रश्न पूछा सर कि इट्स बीइंग अ फीमेल डांसिंग हाउ कम अ मेल बिकेम अ फुल टाइम भरतनाट्यम डांसर, बट अगर हम हमारे पूर्वजों को देखे तो सभी लीडिंग गुरु जो भी आज लीडिंग फीमेल डांसर से, उनके सभी के गुरु मेल थे जी। सभी के, बट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एटमॉस्फेयर एंड चेंज इन द थिंकिंग व्हेन द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस केम इनटू इंडिया, क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से देयर वाज अ स्मॉल शिफ्ट। परफॉर्मिंग गुरुज नहीं थे, वो सिर्फ अर्निंग के लिए टीचिंग करते,
तो उसकी वजह से फीमेल्स बिकेम मोर ऑन स्टेज एंड द मेल गॉट लाइक दे वेंट लिटिल बिहाइंड एंड दे जस्ट स्टार्टेड टीचिंग. अच्छा. बट टाइम देर वॉज अ वेरी गुड बैलेंस एंड आज हर डांस फेस्टिवल्स में इक्वल नंबर ऑफ मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं. तो ये आपने सुना बातचीत का जो पहला अंश था पवित्र जी के साथ, बड़ी ही रोचक बातचीत है. उन्होंने बताया कि किस तरह से वो भरतनाट्यम में आए. और जहाँ तक इस एक म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर पवित्र भट्ट जी के साथ उनकी बातचीत जारी रखते हैं. आपको सुनाते हैं गीत फिल्म आज़ाद का, जो लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ में है, अपलम चपलम. इस गीत में भरतनाट्यम बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित किया गया था. और आपको मालूम ही है वैजयंती माला भरतनाट्यम को जिस तरह से फिल्मों में प्रदर्शित करती थी, उसके बाद हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, तो इस तरह की जो है बहुत बेहतरीन डांसर्स आई हैं जिन्होंने फिल्मों में भी इस अपनी क्लासिकल डांस को बड़े अच्छे से प्रदर्शित किया है. आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म आज़ाद का, अपलम चपलम. अपलम चपलम, जी हाँ, फिल्म आज़ाद का ये गीत लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में भरतनाट्यम नृत्य पर आधारित. और भरतनाट्यम पर हम बातचीत कर रहे हैं पवित्र भट्ट जी के साथ, जो कि आ रहे हैं हमारे कैनबरा में
8 अक्टूबर को जो फेस्टिवल ऑफ इंडिया में परफॉर्म करेंगे। आइए सुनते हैं उनके साथ इस बातचीत का दूसरा अंश, जहां वो ये बता रहे हैं कि कैनबरा में वो आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। आपने जैसे बताया कि आपकी जर्नी में आपको हमेशा पेरेंट्स का और साथ ही साथ आपके जो गुरु वगैरह मिलते रहे, उन्होंने भी आपको हमेशा साथ दिया, प्रेरणा दी, आपको सिखाया और आप आज सफलता के इस मुकाम पर हैं। आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा, अक्सर जब क्लासिकल डांस की बात की जाती है तो भरतनाट्यम थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई कॉम्प्लेक्स डांस है। अगर उसको आप समझाना चाहें एक हमारे आम दर्शक को कि किस तरह से भरतनाट्यम का क्या मतलब है, किस तरह की डांस स्टाइल है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। भारतीय संस्कृति के हिसाब से अभी जैसे मान्यता प्राप्त हुई है, पहले 7 क्लासिकल डांसेस हुआ करते थे और अभी 9 क्लासिकल डांसेस को मान्यता प्राप्त हुई है, लाइक अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांसेस। भरतनाट्यम हुआ, कथक हुआ, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, क्षत्रिय डांस, छाऊ, ऐसे काफी सारे डांसेस हैं जिनको रिकॉग्निशन मिला है। भरतनाट्यम इज वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड, वेल सिस्टमैटिकल डांस फॉर्म, जिन्हें हम उसको भरतनाट्यम में मार्गम बोलते हैं, अ स्ट्रक्चरल डांस फॉर्म, जिसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला, एक ढांचा मिला है कि आपको ये 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 सिलेबस में करना है। जैसे आप स्कूल जाते हो, आपको किंडरगार्टन से 10th स्टैंडर्ड तक जाएंगे तो आपका एक मार्ग बन जाता है, वैसे ही भरतनाट्यम में एक प्रॉपर मार्ग है कि आपको ये पास करके ही आगे जाना है। तो आई थिंक भरतनाट्यम इज वन ऑफ दोस सिस्टमैटिकली क्राफ्टेड क्लासिकल डांस फॉर्म, और जिसमें अगर आप उसकी स्टाइल को देखें तो इक्वल अमाउंट ऑफ अभिनय और इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर डांसिंग है। आपको फास्ट करना है तो फास्ट करो, ज्योमेट्रिकल लाइंस को देखो और आप अभिनय भी करो। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ दोस कंप्लीट डांस स्टाइल्स एंड वन ऑफ द मोस्ट, कहां पर भी जाओगे भरतनाट्यम शब्द आपको मिलेगा ही जरूर। आप कौन से भी डांस फेस्टिवल में जाओ या कम्युनिटी प्रोग्राम में जाओ, ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो भरतनाट्यम करते रहेंगे। जी, वो तो यहाँ पर कैनबरा में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी भरतनाट्यम के स्कूल हैं और बच्चे बड़े शौक के साथ सीखते हैं भरतनाट्यम। और आपने बताया, ये भी जानकर सुखद आश्चर्य हुआ, एक तरह से अच्छा लगा कि आपके स्कूल में 350 स्टूडेंट्स हैं जो कि भरतनाट्यम सीख रहे हैं। हालांकि क्लासिकल डांस कई बार देखा जाता है, और आप तो, ये भी सवाल था कि आप मुंबई में हैं, बॉलीवुड में हैं, और जहां देखो तहां वो आजकल बॉलीवुड डांस की धूम मची है जी। उस धूम के बीच में भी भरतनाट्यम पनप रहा है, उसके क्या रीजंस है, कारण है? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमें काफी बार, हम जिधर भी जाते हैं, जैसे कि लोगों को तो आश्चर्य होता ही है कि हम बॉम्बे में रहकर हम भरतनाट्यम कैसे इतना फेमस कर पा रहे हैं। बट सर, हमें ऐसे लगता है कि हमें लोगों के तरफ झुकना नहीं चाहिए, पर हमारे जो रसिक है, रसिक गण है, हमको उनको हमारी तरफ लेके आना चाहिए। तो फिर जैसे कि मेरे गुरुजी हमें हमेशा कहा करते थे कि नाट्य शास्त्र में भी ये कहा गया है, भरत मुनि ने कहा है कि हमारा जो स्टेज है वो हमेशा हायर लेवल में होता है और ऑडियंस नीचे बैठकर देखते हैं, हमारे से नीचे, कि वो क्यों है, क्योंकि हमें ऑडियंस को हमारे लेवल पर मेंटली स्पिरिचुअली हमें उनको लेके आना होता है थ्रू अवर आर्ट फॉर्म, ना कि हमें उनके लेवल पे जाए। सो वी आर एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग द ऑडियंस इन द सेम टाइम। अभी वो हम कैसे करें, वो हम ऐसे ही कर सकते हैं जब भी हम हमारे आर्ट फॉर्म को रूटेड रखे, उसको प्रॉपरली उसके जड़ के जैसे हम जैसे सीखे हैं उसको वैसे प्योर फॉर्म में दे, पर टाइम के हिसाब से हम उनको समझाते भी जाए। तो उसको सिंप्लीफाई भी करो पर उसका ट्रेडिशन भी मत निकालो जी, तभी जाकर हमारे ऑडियंस को हम उसके लिए रुचि निर्माण कर सकते हैं। और उस, मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी प्रोग्राम हमने डेफिनेटली वो अचीव किया है एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ बेटर ऑडियंस फॉर भरतनाट्यम इन बॉम्बे। अच्छा, तो न केवल बॉम्बे में, अभी आपको मौका मिल रहा है यहाँ कैनबरा में और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे शहरों में भी
अपना भरतनाट्यम डांस दिखाने का, और जैसा कि आपने कहा कि एक ये मौका है जहां पर आप दिखा सकते हैं कि भरतनाट्यम डांस के क्या खासियत है, क्या खूबसूरती है, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं जरा उसके बारे में बताइए। जरूर, ये भी बहुत ही अच्छा कनेक्टिंग क्वेश्चन है सर, क्योंकि मैं बस आपको इसके बारे में बताने ही वाला था कि इट्स अ कोइंसिडेंस दैट हम कैनबरा में दशहरा या नवरात्रि फेस्टिवल के तुरंत बाद आ रहे हैं, और जैसे ही हम ऑस्ट्रेलिया टूर खत्म कर रहे हैं, दिवाली फेस्टिवल इज कमिंग ओवर, तो हमने उसी को मध्य में, उसी को नजर, उसी के हिसाब से हमने जो मेन पीस लिया है फॉर परफॉर्मिंग फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर, वी हैव टेकन अ रामायण इन द ट्रेडिशनल फॉर्म। स्टोरी तो वही रहेगा, सो दैट माय ऑडियंस अंडरस्टैंड्स, एवरीबडी नोज रामा, एवरीबडी नोज सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सभी को सब कुछ पता है, बस हमने धनुष बाण लिया कि वो राम है, सभी को समझ में आ जाता है। सो एंड सो वी हैव वेरी स्मार्टली टेकन अ वर्णम, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम कॉम्पोजिशन। भरतनाट्यम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो जो प्रस्तुति होती है उसको हम वर्णम बोलते हैं। तो हम हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्रिय ऑडियंस के लिए हम ये मेन पीस वर्णम करने वाले हैं, जो कि 30 मिनट का पीस है कंटिन्यूअस। अच्छा। हम राम राम फुल रामायण उसमें बताने वाले हैं विद प्योर डांस एंड अभिनय जी। तो मैं मेरे 8-7 स्टूडेंट्स के साथ आ रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, और हम रामायण करने वाले हैं। इसके लिए हमने उस पूरे प्रोडक्शन का नाम जो है उसको हमने वी हैव नेम्ड इट इन नेम ऑफ रामा इटसेल्फ। अच्छा। रघुवंश श्री रामा, जो सन डायनेस्टी में जिनका जन्म हुआ है वैसे श्री राम। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इन अ वेरी ट्रेडिशनल फॉर्म, बट स्टिल वी आर सर्विंग देम इन अ वेरी इन अ विद अ स्टोरी व्हिच दे ऑलरेडी नो। तो उसके साथ आप तिलाना भी कर रहे हैं मेरे विचार से, तिलाना के बारे में भी बताइए। तिलाना जो है जिसको हम हिंदुस्तानी संगीत में तराना बोलते हैं, और कर्नाटिक म्यूजिक में उसी का नाम तिलाना होता है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट कॉल डोसा इन इंडियन लैंग्वेज एंड अ पैनकेक इन फॉरेन लैंग्वेज, जी जी, इज द सेम थिंग, जस्ट दैट इट्स द वे हाउ यू ईट इट एंड हाउ यू टेस्ट इट। सो सर जब भी हम तिलाना बोलते हैं, तिलाना में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम भरतनाट्यम में ज्योमेट्रिकल लाइंस है उसमें बहुत, और रिदमिक पैटर्न जो पैरों के जो हलचल है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, विच डज नॉट हैव, इट्स मोर अबाउट ग्रामर ऑफ भरतनाट्यम, इट डज नॉट हैव एनी एक्सप्रेशन जिसका कुछ अर्थ निकलेगा। लाइक हम भरतनाट्यम में बोलते हैं यथो हस्तो तथो दृष्टि, यथो दृष्टि ततो भाव, यथो भाव ततो मनः, यथो मनः ततो रस, मतलब जहां आपका हाथ जाएगा वहां पर ही आपकी आंखें जाएगी, जहां मेरी दृष्टि जाएगी वहां पर मेरा मन होगा, जहां मेरा मन होगा वहां पर मेरे भाव प्रकट होंगे, और जहां मेरा प्रकट भाव होगा वहां पर ही उसका रस निकलेगा। बहुत सुंदर। तो फिर सर आई थिंक वी आर ट्राइंग टू डू रसोत्पत्ति टू द ऑडियंस। अच्छा। हमारे ऑडियंस को वो रस निर्माण करने के लिए हम एक तिल्लाना से खत्म कर रहे हैं, सो दैट उसका आस्वाद लेकर ही वो ऑडियंस चले जाए इस ऑडिटोरियम से। ये तो बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही, जैसा कि कहा कि आपने ये मौका भी जो इस समय दशहरा और दिवाली के समय आप आ रहे हैं, और जो आपकी परफॉर्मेंस है वो भी श्री राम के ऊपर है, तो दशहरा और दिवाली का मनाने का इससे बेहतर और कौन सा तरीका हो सकता है। तो निश्चय ही हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी, और हम बड़ी उत्सुकता से, बड़ी ईगरली आप लोगों आपका इंतजार कर रहे हैं कि उस दिन फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आपका ये नृत्य देखें। और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बड़ा आनंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये सुनिए आपने बातचीत पवित्र भट्ट जी के साथ, जो कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस लेकर आएंगे, और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस परफॉर्मेंस में क्या क्या होगा, तो ये देखने योग्य होगा। अगर आप टिकट बुक कराना चाहते हैं तो premierticketing.com.au पर जाकर आप अपनी टिकट जल्द ही बुक कराइए, क्योंकि ये शो जल्द ही भर जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो premierticketing.com.au पर आप इसकी टिकट बुक करा सकते हैं।
इसके अलावा इस कार्यक्रम में होंगे फोक डांसेस आल्सो, और फोक डांसेस आपको मालूम ही है कि भारत के हर रीजन का एक अलग ही फोक डांसेस होते हैं। इसके बारे में भी हमने बातचीत की जो फोक डांस की ऑर्गेनाइजर्स हैं प्रियल दीपांश झवेरी, उनके साथ भी बातचीत अभी हम आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे। लेकिन सुनते हैं एक फोक डांस पर आधारित एक गीत, और उसके बाद जो है बातचीत करेंगे प्रियल के साथ। आइए सुनते हैं ये गीत मेघा रे मेघा। मेघा रे मेघा ये गीत है फिल्म लम्हे का, और इसको गाया था, जी हाँ गाया था इला अरुण, और साथ ही साथ में लता मंगेशकर, संगीत था शिव हरि का, लिखा गीत था आनंद बख्शी का। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। मेघा की जब तक बात की जाए तो हालांकि मेघा से हम लोग काफ़ी तंग आ चुके हैं, क्योंकि ये लानीना लगातार लगा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी ये लानीना आएगा, इस बार तीसरी बार भी ये लानीना यहाँ पर आएगा, और इस गर्मियों में भी बारिश खूब होगी जमकर। तो लगता है कि ये जो है इसके अलावा भी हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से इतनी बारिश भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है।
ला नीना की वजह से हमें जा नीना की ज़रूरत है भाई, नीना जाओ, बहुत हो गया बहुत हो गया। हाँ बारिश होती है अच्छा लगता है, मेघा आते हैं अच्छा लगता है, लेकिन समय पर आएं और समय पर चले जाएं तो अच्छा ही रहता है। खैर आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और समय करीब करीब 10:45 या 10:45 होने वाले हैं, अभी थोड़ा सा समय है। आपके फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में तो बातचीत हुई, लेकिन मैं आज एक जो खास कार्यक्रम हो रहा है रेडियो मनपसंद का, हर वर्ष होता है जोर शोर से, और वो है फंताक्षरी। जी हाँ, फंताक्षरी हर वर्ष रेडियो मनपसंद आयोजित करता है, और ये कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय कार्यक्रम है यहाँ पर कैनबरा में, जहाँ पर 10 टीमें इस फंताक्षरी के कंपटीशन में भाग लेती हैं। और आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इस वर्ष का ये कार्यक्रम आज हो रहा है 2 से 5 बजे के बीच में। और ध्यान रखिए कि इसका वेन्यू जो है बदल गया है, लेनियन वाइकिंग्स क्लब, हाइडलबर्ग स्ट्रीट, कॉन्डोर, एसीटी कॉन्डोर में हो रहा है। जी हाँ, कॉन्डोर में हो रहा है, इसका वेन्यू चेंज हो गया, अब कैनबरा क्लब में नहीं है ये, यहाँ पर लेनियन वाइकिंग्स का लेनियन वाइकिंग्स क्लब में हो रहा है। तो ये फंताक्षरी की अगर आप टिकट आप बुक कराना चाहते हैं तो आप बातचीत कर सकते हैं मनीष जी के साथ, मनीष जी इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता है, 04218920095 पर, 04218980095 पर आप बातचीत कर सकते हैं। तो फंताक्षरी में ज़रूर आप जाएं और उसका आनंद उठाएं, इसका अलग ही मज़ा रहेगा आपको, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। तो चलिए अब फोक डांसेस की बात कर रहे हैं, तो आपको ले चलते हैं गुजरात में, जहां पर हैं प्रियल और प्रियल झवेरी, मार्गम ग्रुप की आयोजिका हैं जो कि ये लेके आ रही हैं फोक डांसेस। तो जब गुजरात की बात हो रही है तो आइए आपको पहले सुनाते हैं गुजरात का एक गीत, लोक गीत, और आपको याद दिलाएगा कि फोक म्यूज़िक और लोक नृत्य का क्या मज़ा है इस गीत में। सुनिए ये गीत गोली की रासलीला से। Come on.
जी हाँ, ढोल बाजे आप सुन रहे थे। ये फिल्म बहुत ही अच्छा गीत था। आपको मालूम ही है कि गोले की रासलीला का ये गीत है। बातचीत हो रही है फोक म्यूज़िक की और उसमें जो है जोश खरोश होता है, आपने इस गीत में तो देखा ही। और ऐसे ही गीत जोश खरोश भरे नृत्य हो रहे हैं 8 अक्टूबर को लोयलन हॉल में। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस जुड़ी हैं प्रियल दीपेश झवेरी कच्छ गुजरात से। जी हाँ, कच्छ गुजरात से। और इसके बारे में हमें बता रही हैं कि उस कार्यक्रम में वो क्या लेकर आ रही हैं फोक डांसेस को लेकर। आइए सुनते हैं उनके साथ बातचीत का ये अंश। इस फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मार्गम ग्रुप एक फोक डांसेस, विभिन्न फोक डांसेस जो है उनका प्रदर्शन करेंगे। और आपको मालूम ही है कि भारत में फोक डांसेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी एक झलक हमें देखने को मिलेगी 8 अक्टूबर को। और इस ग्रुप की आयोजिका प्रियल हमारे साथ है। प्रियल, आपका रेडियो मनपसंद पर स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। प्रियल, आप मार्गम ग्रुप की आयोजिका है, जरा मार्गम ग्रुप के बारे में बताइए कि। जी सर, मार्गम डांस अकेडमी एक्चुअली 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था। मेरे गुरु श्रीमती धारा शाह मैम ने उनको स्टार्ट किया था और अब तक 1000+ स्टूडेंट्स को उन्होंने भरतनाट्यम में ट्रेन किया है। हमारा एकेडमी मेनली क्लासिकल डांस को फॉलो करता है, भरतनाट्यम जो कि कला क्षेत्र को फॉलो करता है। एंड देन शी हैज स्टार्टेड राइट नाउ कथक, उन्होंने अभी कथक के लिए भी स्टार्ट किया है एकेडमी। एंड हम लोगों ने एक्चुअली 1000+ नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल ट्रूप्स के लिए भी गए हैं हमारी एकेडमी से। अच्छा। और ICCR से हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। नेशनल्स के लिए हम लोग हर साल स्टूडेंट्स को यहाँ से भेजते हैं नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए, और इंटरनेशनल ट्रिप्स हमारी टू इयर्स में एक बार होता ही है। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया में आपकी पहली विजिट है आपके ग्रुप की? Yes, sir. Yes, तो ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में तो आ ही रही हैं 8 अक्टूबर के अलावा, इसके अलावा कहाँ जा रहे हैं? कैनबरा के अलावा हम लोग मेलबर्न और सिडनी में जाने वाले हैं सर। अच्छा, और आपने बताया कि जो है क्लासिकल डांसेस की में एकेडमी है, लेकिन जो आप यहाँ पर डांसेस परफॉर्म कर रहे हैं वो फोक डांसेस हैं? वो फोक डांस है। यस सर, हम लोगों ने एक्चुअली सिर्फ भरतनाट्यम को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया, जबकि हमारा एकेडमी है मेनली क्लासिकल बेस्ड, लेकिन हम लोगों ने राजपथ पे जो परफॉर्म किया था 26 जनवरी को, हम लोगों की टीम ने एक्चुअली फोक डांस को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा। तो हमारे डांस क्लास में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासिकल बेस्ड है, हम लोग फोक के लिए भी ट्रेन करते हैं। अच्छा, तो आपका ये एकेडमी है कहाँ पर भारत में? हम लोग एक्चुअली बहुत छोटी जगह से है, कच्छ गुजरात से है जी। और ये एक्चुअली कच्छ बहुत बहुत नोन प्लेस है, कच्छ रन की वजह से बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो आपकी एकेडमी में कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी फिलहाल तो 500+ स्टूडेंट्स हैं सर। अच्छा, 500 के करीब स्टूडेंट्स हैं, और इसमें आप क्लासिकल एंड फोक डांसेस सभी उसमें शामिल हैं? ट्रेन करते हैं। यस सर, एब्सोल्युटली। तो फोक डांसेस के बारे में जानना चाहूंगा। फोक डांसेस अपनी जहां तक इंडिया की ट्रेडिशन की बात है तो हजारों साल से चल रहे हैं फोक डांसेस, अभी भी उतने ही पॉपुलर हैं जैसे पहले थे? आपको मालूम ही है कि आजकल तो जहां देखो तहां बॉलीवुड डांस की धूम मची रहती है। ऐसा है कि वेस्टर्नाइज ज्यादा होता जा रहा है, बट जो इंडियन कल्चर है वो अभी भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व्ड है। जी, जैसे हमको हमारे गुरु मिले हैं, आई होप कि हम भी उनकी तरह ही आगे इस चीज को हम लोग कंटिन्यू करें, हम भी नेक्स्ट जनरेशन को ये गिफ्ट करें और ये ट्रेडिशन हमेशा चलता रहे। और ये कहीं ना कहीं एक जगह पे लाइव है हमारा इंडियन ट्रेडिशन, बट वेस्टर्नाइज कल्चर की वजह से थोड़ा थोड़ा कहीं जा रहा है, बट उस चीज को हम जैसे लोग अलाइव रख रहे हैं। जी, तो आपने ये तो बात सही कही कि ये काम जरा थोड़ा सा मुश्किल है कि जिस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है वेस्टर्न कल्चर का और साथ ही साथ बॉलीवुड डांस का, लेकिन फोक डांसेस का अपना एक अलग ही मजा है, अलग ही आनंद है। चाहे कितना भी आ हो अपना भांगड़े का या लोक गीतों का, लोक नृत्यों का, तो अलग ही आनंद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक्चुअली वो हम एक रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन नहीं बट
वो फोक डांस को हम लोग एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। आप चाहे भांगड़ा ले लो, गुजराती फोक ले लो, या कोई भी फोक डांसेस ले लो, वो कोई ना कोई अलग अलग फेस्टिवल्स में उसको बहुत पॉपुलर तरीके से मनाया जाता है। अब यहाँ पर आप आ रहे हैं, आप जो परफॉर्मेंस करेंगी यहाँ पर कैनबरा में, उसके बारे में जानना चाहूंगा, उसमें कितने डांसर्स हैं आपके साथ आ रहे हैं यहाँ? हम यहाँ से इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 8 लोग आ रहे हैं। अच्छा, 8 आर्टिस्ट आ रहे हैं हम लोग इंडिया से वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। यस, और मैंने देखा था उसमें कई तरह के फोक डांसेस होंगे, जरा उन फोक डांसेस के बारे में बताइए, किस किस तरह के फोक डांसेस हैं? हम लोग कैनबरा में एक्चुअली 5 फोक परफॉर्मेंसेस देने वाले हैं। हमारा मिश्र रास होगा, कालबेलिया, पंजाबी, मराठी और एक डाकला होगा। डाकला और मिश्र रास वो एक्चुअली गुजरात का है, दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क है। मिश्र रास दोनों मेन एंड वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं, और उसमें मोस्टली मतलब डिफरेंट टाइप्स के कलरफुल आउटफिट्स होते हैं। वो सौराष्ट्र गुजरात का मेन फोक डांस है। अच्छा, और जैसे कालबेलिया हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो कालबेलिया इज मोस्टली लाइक स्नेक डांस, जो स्नेक को स्नेक चार्मिंग डांस जैसे कहा जाता है। और अच्छा, वो थार डेजर्ट जो राजस्थान का है वहां से बिलोंग करता है, और वो भी मोस्टली मेन वुमेन दोनों साथ में परफॉर्म करते हैं। गुजरात का जो आपने डाकला की बात करी, वो अक्सर जब हम गुजरात की बात करते हैं तो हमेशा वो गरबा और डांडिया याद समझ में आता है। हाँ, गरबा और डांडिया और दाखला में क्या फर्क है? डांडिया मोस्टली जैसे सर्कुलर में, और गरबा ऐसे सर्कुलर फॉर्म में किया जाता है। दाखला भी ऐसे सर्कुलर में होता है, लेकिन दाखला में आप लोग स्वॉर्ड यूज कर सकते हैं। दाखला इज मेन फॉर स्वॉर्ड डांस। अच्छा, इट इज नोन एज स्वॉर्ड डांस। दाखला इज बेसिकली लाइक वो जो बीट्स होती है उसकी कंटिन्यूस होती है, वो डमरू की बीट्स होती है, उसका टेम्पो अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन वो डांस रुकना नहीं चाहिए। इट इज जस्ट लाइक द शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो जाए स्टॉप नहीं होना चाहिए डांस, तो लगातार चलता रहता है। और इसके अलावा आपने बात करी कालबेलिया डांस की, जो कालबेलिया कभी सुना नहीं है मैंने, उसके बारे में आपने थोड़ा सा बताया, जरा उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। हाँ, कालबेलिया एक्चुअली राजस्थान का फोक डांस है। वो जैसे हम लोग एज अ टूरिस्ट जाते हैं वहां पे, तो वो लोग मोस्टली जो डांस करते हैं वो लोग कालबेलिया डांस परफॉर्म करते हैं। वो स्नेक चार्मिंग डांस कहा जाता है। थार डेजर्ट वगैरह की साइड पे वो ज्यादा देखा जाता है उसको, कालबेलिया डांस को। और वो कल्चरल परफॉर्मेंस है, जैसे मेन वुमेन साथ में परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा आप मराठी डांस की बात कर रहे हैं, लेकिन मराठी में भी कौन सा फोक डांस होगा? हाँ, मराठी में डिफरेंट फोक डांस है। एक लेजियम डांस होता है, एक लावणी डांस होता है, फिर एक डंगारी गजा करके होता है, एक गोंडल डांस होता है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट डांस स्टाइल्स होते हैं। तो हम लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं वो देवी पे बेस्ड है, जो हम पूजा करते हैं देवी की। तो वो तो बड़ा ठीक समय है, क्योंकि हम आई थिंक नवरात्रि के आसपास ही हो रहा होगा, तो वो देवी का नृत्य तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा गोपरास, इसके अलावा गोपरास भी होगा, गोपरास के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, गोपरास में कैसा होता है कि वो गोप क्रिएट करते हैं, परफॉर्मर्स जो होते हैं उसमें वो बीच में स्टिक होता है एंड आजू बाजू चुन्नी वगैरह होती है, वो पूरा एक्सचेंज करके, पोजीशंस एक्सचेंज करके पूरा पैटर्न क्रिएट करते हैं गोफ से, और फिर उसको नॉट से पैटर्न क्रिएट करते हैं, और वो नॉट्स भी ओपन करना है उसी में। तो वो एक डिफरेंट पैटर्न जब क्रिएट होता है तो एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसके अलावा तो भांगड़ा तो है ही, भांगड़ा तो खैर सभी जानते हैं कि खूब जबरदस्त होता है। इसके अलावा आपकी ये परफॉर्मेंस कितना समय लेगी? हमारा पर परफॉर्मेंस 10 मिनट्स का है। एक्चुअली हम लोगों को एक टाइम स्लॉट मिला है 45 मिनट्स का एट अ स्ट्रेच, उसी में ही हम लोगों को कॉस्ट्यूम्स चेंज करके हम लोगों को 10-10 मिनट्स के डिफरेंट स्लॉट्स हम लोगों ने दिए हैं, और उसी में कॉस्ट्यूम्स चेंज करने के बाद हम लोग एट अ स्ट्रेच वो पूरा 45 मिनट्स का स्लॉट कवर अप करने वाले हैं। तो लगता है कि ये काफी खूबसूरत परफॉर्मेंस होगी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी। सो हम लोग बड़ी ईगरली जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब आप लोग आए तो इस डांस को देखा। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। हमें विश्वास है कि कैनबरा के लोग जो है वहां पर आएंगे और पूरे इस भारत के नृत्यों की झलक देखेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
तो ये बातचीत थी प्रियल से, जिन्होंने बताया कि मार्गम ग्रुप किस तरह के फोक डांसेस यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। जैसा कि आपने सुना कि अलग अलग तरह के डांसेस देखने को मिलेंगे, गरबा, डांडिया तो आजकल आप जोर शोर से मना ही रहे होंगे, भांगड़ा हमेशा पांव थिरकते ही हैं, तो हम लोग तो खैर करते ही रहते हैं, जो भी हाथ पांव चलते हैं, मेरे से तो मत पूछिए, मैं तो नहीं कर पाता। लेकिन ये अवसर है फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो ये प्रोफेशनल फोक डांसर्स हैं, प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर्स हैं, उनको देखने का। और ये आप देख सकते हैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया में 8 अक्टूबर को लॉयलन हॉल में। इसकी टिकट आप बुक करा सकते हैं premierticketing.com.au पर। बातचीत हो रही थी राजस्थान के कलबेलिया डांस की, और राजस्थान के कलबेलिया डांस पर ही आधारित मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, और आशा है कि आपको ये गीत पसंद आएगा। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय, और ये कार्यक्रम फिर दोपहर को फिर प्रसारित किया जाएगा 3 से 5 बजे तक, समय करीब करीब 11 बज रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये निम्बूडा निम्बूडा गीत, जो कि अपने आप में राजस्थानी लोकगीत है। सुनिए ये गीत और देखिए लोकगीतों में क्या मज़ा है। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद अपने FM 91.1 पर, और साथ ही साथ सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऐप पर। अगले सप्ताह 2 अक्टूबर को होने वाला है हमारा गांधी जी का 153वां जन्म दिवस, और गांधी जी हालांकि 153 वर्ष पहले जन्मे थे, लेकिन आज भी उनका संदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस विषय पर एक सिंपोजियम आयोजित किया जा रहा है यहाँ पर कैनबरा में, और इस सिंपोजियम के आयोजक महात्मा गांधी सोसाइटी है, और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे श्री निरंजन अग्रवाल जी यहाँ पर फ़ोन पर मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। अग्रवाल जी के परिचय की तो कोई आवश्यकता नहीं है, कैनबरा में बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। अग्रवाल जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत नमस्कार, सागर प्रेम से मैं नमस्कार करता हूं, और आपका और आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी आपके समय के लिए। आप गांधी जी के भक्त हैं इसमें, और आप ही नहीं हैं, हजारों लाखों लोग गांधी जी के भक्त हैं। इस 153वें जन्म दिवस पर गांधी जी के आप आयोजित कर रहे हैं एक गांधी सिंपोजियम, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए यहाँ पर
इस टाइम में जो यंग पीपल हैं वो उनको एक तो गांधी जी के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, और मगर गांधी जी का संदेश तो ऐसा है कि हम पता भी हो तो भी उसको बार बार सोचते रहें, उनके बारे में सोचते रहें, विचार करते रहें, मगर विचार करने के बाद में हमें उनसे क्या सीखना है और अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करने से हमें फायदा मिलेगा, तो उन चीजों का विचार करने के लिए हम लोगों ने ये गांधी सोसाइटी बना के तो बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट हाउस में जगह लेके और 5-6 जो अच्छे अच्छे माने हुए विचारधारी सज्जन हैं तो उनको प्रार्थना की है कि आप आके जरा आज के लिए गांधी जी का संदेश क्या है, और आज की जो जनता है, आज की के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या क्या संदेश है कि उनको गांधी जी के ने जो जो किया, फिर हमें सिखाया, और सिखाने के बाद में जो लोग जिन लोगों ने वो उनके विचारधारा का अपन किया तो उनको कैसे क्या क्या फायदे हुए। तो और अभी तो यहाँ पर देखिए दुनिया में इतना भारी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो हम दुर्गम काज भी हो रहे हैं चाहे, तो इसलिए इस टाइम में गांधी जी का मैसेज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और लास्ट टाइम भी यहाँ के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने भी ये कहा था कि आजकल यहाँ पर दुनिया में जो भी खराब चीजें हो रही हैं उनको ठीक करने के लिए गांधी जी की जो उन्होंने हमें सिखाया है उसको एडॉप्ट करना चाहिए। तो अब ये है कि क्या सिखाया है, क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए और उनसे कैसा कैसा फायदा होगा, तो ये सब लोगों को विचारधारा में ला के सिखा के उसके बाद में वो जो सीख लेंगे जो करेंगे उनको कैसे कैसे फायदा मिलेगा, तो ये सब सिखाने के लिए बात करने के लिए सोचने के लिए तो हम लोग ने ये एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। वहाँ पर ये भारत के हाई कमिश्नर जो वो भी भाषण देंगे और विचारधारा प्रस्तुत करेंगे, और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं एमरिटस प्रोफेसर नंदन जी और ये क्रिश्चियनिटी के सेंटर के वहाँ के जो चीफ हैं, तो ऐसे करके हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण सज्जन को ऐसे निमंत्रण करके उन्होंने हमारा निमंत्रण ले लिया है, तो वो आके आके थोड़ा हमें समझाएंगे बताएंगे। और बस ये है कि वो सारा उनके भाषण सुनने के बाद में एक क्वेश्चन आंसर का काफी समय है, ताकि जो भी वहां पर आए और आके उनके मन में जो भी क्वेश्चन आए कि ये कैसे हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, ऐसे क्यों करने के कैसे फायदे हो सकते हैं, तो ऐसे करके जो भी उनके मन में क्वेश्चन आए, प्रश्न करने का जी करे, तो वहां पर आके उनसे प्रश्न करके अपना और भी जो फायदा उनको चाहिए वो मिलने का है। और उसके बाद में हम लोग वहाँ पर आने वालों पर के लिए कुछ थोड़ा सा खाने पीने का भी प्रबंध कर रखा है, तो ऐसे करके तो जिस जिसने आना है और आके सुनने का निमंत्रण करना है तो वो हमें टेलीफोन कर सकते हैं। बड़ा आसान नंबर है 6282-2202। मैं रिपीट कर लूँ 6282-2202। तो ऐसे करके तो जो जो हमें कांटेक्ट करेंगे या ईमेल करना है तो gandhi.society 0210@gmail.com।
2nd अक्टूबर दो तारीख दसवें महीने की, तो ऐसे करके हमें वो चाहे ईमेल कर दें चाहे फोन कर दें, तो हम उनके नाम वगैरह लेके तो उनको निमंत्रण करने का पार्लियामेंट में आने का पास चाहिए, तो हम उनको पास का प्रबंध कर देंगे। तो ये ऐसे करके ये तो प्रबंध के बारे में है, मगर मैं आपको मैसेज ये जरूर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज का कि काफी लोगों को तो गांधी जी का नाम सुना हुआ है, या जो हिंदुस्तानी हैं वो अपने नोट देख लेते हैं तो उनकी गांधी जी की फोटो देख लेते हैं, तो मगर उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया है? और देखिए गांधी जी का सबसे बड़ी सबसे दो चीजें थी, एक तो उनका करेज हौसला के जाने, हालांकि उस टाइम में जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसका कहते थे सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, कभी भी वहां पर इतनी लंबी चौड़ी ब्रिटिश थी कि कहीं ना कहीं सूर्य चमकता रहता था जी। तो इसलिए मगर ऐसी पावर को गांधी जी के, और देखो ना खड़क ना ढाल कोई उन्होंने कभी कुछ नहीं उठाया, सिर्फ विचारधारा से ही जब भी भाषण देते थे तो ऐसे सिंपल सिंपल वर्ड यूज करके, तो जो भी सज्जन उनका भाषण सुनते थे उनका मन में चला जाता था, और कहीं पे भी जाते थे जब जैसे उन्होंने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट समंदर का नमक के ऊपर में टैक्स लगा दिया, उन्होंने कहा भैया ये तो नेचुरल की चीज है, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि तो उसे टैक्स मांग रहे हो, तो उन्होंने कह दिया नहीं ये टैक्स तो बिल्कुल गलत है। तो फिर सॉल्ट मार्च के लिए देखिए यहाँ पर भी कैनबरा में भी वो जो गांधी जी का बुत लगा हुआ है वो सॉल्ट मार्च का बुत है, वो कि क्या कैसे उन्होंने वहां जाके तो ब्रिटिश सदन ने फिर भी उनको कैद में डाल दिया, तो ठीक है कैद में डाल लो, मगर कैद में डालने के लिए उनके पीछे इतने ज्यादा सज्जन लोग जा रहे थे तो कितनों को कैद में डालेंगे जी। तो गांधी जी को बात डाल दिया, बाकी लोग अपने अपने घर में चले जाओ, वो घर में गए नहीं वहां पर बैठ गए जी। हाँ, इसमें दो राय नहीं है कि गांधी जी ने जो मार्ग दिखाया अहिंसा का मार्ग आपने बताया दांडी मार्च के बारे में, और अहिंसा के माध्यम से उन्होंने इतने बड़े एम्पायर को एक तरह से आपने बताया कि पराजय और छोड़ने के लिए, हाँ छोड़ने के लिए मजबूर किया। और गांधी जी के जो आदर्श, आप सही कह रहे हैं कि जो सत्य अहिंसा और मानवता का प्रेम की आपने जो बात की वो आज ज़्यादा रेलेवेंट है देखा जाए तो, क्योंकि जहाँ देखिए वहाँ भेदभाव की बात हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इसमें तो गांधी जी के संदेश बहुत ही जरूरी है इस तरह की। और होता क्या है कि हम गांधी जी का जन्मदिन मना के फिर भूल जाते हैं बाकी दिन की गांधी जी का वास्तविक संदेश क्या था, का उसके ऊपर तो कभी चलते नहीं है उनके आदर्शों के ऊपर, चाहे जन्मदिन मनाया और छुट्टी हुई। तो ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप इस तरह का सिंपोजियम कर रहे हैं और गांधी जी के बारे में आप अभी भी जागरूकता बनाए रख रहे हैं। ये 15 अक्टूबर को है ये कार्यक्रम? नहीं नहीं, ये देखिए ऐसे है, मैं दो चीजें कहने का मुझे समझ लीजिए, पहले तो ये है 12 अक्टूबर, वेडनेसडे 12 अक्टूबर को है जी, शाम को 5:30 बजे, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी वगैरह के चक्कर में आधा घंटा इधर उधर लग जाता है जी जी, तो 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक का प्रोग्राम है, और वहां पर सबसे बढ़िया चीज यही है कि जिस सज्जन को भी कुछ भी पूछना हो पता करना हो है तो वहां पर वहां आके पहला तो ये इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा कि क्यों करना है क्या करना है, मगर ये गांधी सोसाइटी जो बनाई है उसके ये 12 अक्टूबर के बाद में फरवरी मार्च में कुछ और करेंगे, और हम लोग ये ऐसा ही संदेश सिर्फ कैनबरा में नहीं और मेलबर्न और सिडनी और ब्रिस्बेन वहां पर भी ले जाके वहां पर कोई और भाषण के भाषण देने वाले तो और तो बहुत हैं,
तो ऐसे करके तो हम लोग चाहते यही हैं कि सारे जगह पर दुनिया को गांधी जी का मैसेज, उनका पैगाम, तो उनका बारे में दुनिया समझना शुरू करे कि भाई देखो ये कौन थे, क्या थे, कैसे हुआ, उन्होंने क्या किया और उनके तरीके। आपने तो ट्रूथ, सत्य और सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब यह है कि इंसिस्ट ऑन द ट्रूथ। तो बात अपने सारे जीवन में सत्य लाइए। और मगर सत्य क्या है, है? कि भगवान है कि नहीं है, या ये कौन ठीक कह है, कौन ठीक कह नहीं कह रहा, तो उसका सत्य ढूंढने के लिए जो भी चेष्टा करें, उससे चेष्टा करने के बाद में आपको सत्य मिलेगा और उसके सत्य का फायदा भी मिलेगा। तो हम लोग का विचार यही है कि सब लोग मित्रगण आके हमसे बात करें, हमारी बात सुनें, अपनी बात सुनाएं, अपने क्वेश्चन पूछें। तो ऐसा विचारधारा में लग के हम लोग एक गांधी जी का मैसेज। मैं तो देखिए, मैं तो जब मैं बीए पढ़ रहा था वहां पर भी एक गांधी स्टडी सर्कल बनाया था जी। तो यहाँ पर मंगलवार एवरी फोर्टनाइट, दो हफ्ते के बाद में कोई ना कोई स्टूडेंट या लेक्चरर या जो भी, वो कहते थे अपनी किताब पढ़ते थे, किताब पढ़ के फिर दो घंटे का, एक घंटे का भाषण देते थे कि उन्होंने किताब से क्या सीखा, क्या लिखा किताब में जी। उसके बाद में किताब पर उन्होंने जो कहा उसका डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर, ये वो। तो लेक्चरर भी होते थे, तो विद्वान लोग भी होते थे, तो ऐसे करके तो पूरा समझ आता था कि भाई गांधी जी के विचारों में क्या है, क्या होना चाहिए, कि हमें क्या करना चाहिए और करके फायदा हमें क्या होगा जी। आपने तो सही कहा कि हमें गांधी जी के बारे में केवल न बात ही करनी है, वरन उनके आदर्शों पर चलना है। तो ये तो बहुत ही अच्छा आप कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे मालूम है कि आप बहुत व्यस्त हैं इस समय मंदिर में, फिर भी आपने समय निकाला हमसे बातचीत की। धन्यवाद अग्रवाल जी। आपको और आपके मित्रगणों को, श्रोतागणों को मेरा नमस्कार और मुझे टेलीफोन करते रहिए। धन्यवाद। आइए ये गीत सुनते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान।
एक समान सबको जन्म की दे भगवान सबको जन्म की दे भगवान सारा जग तेरी संतान सारा जग तेरी संतान जन्म का कोई मोल नहीं का तोल नहीं है जन्म का कोई मोल नहीं है जन्म मनुष्य का तोल नहीं है जन्म मनुष्य का तोल नहीं है करम से है सबकी पहचान। जी हाँ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाया हुआ भजन जो गांधी जी का प्रिय भजन था और गांधी जी के संदेश भी बताता है कि हमें सभी को प्रेम से ही, चाहे कोई भी जाति हो चाहे कोई भी धर्म हो, सभी को प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। और आवश्यकता है कि आज के युग में हम उस आदर्श का जरूर पालन करें। आइए अब बातचीत करते हैं प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। आपको मालूम है कि इनका, राजू श्रीवास्तव का, 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। 10 अगस्त 2022 को राजू श्रीवास्तव जिम में ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे थे तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया था। वो हालांकि उनको दिल की बीमारी तो थी और इसी वजह से वो अपने स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखते थे, और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। और संयोगवश अस्पताल में जब उन्हें भर्ती किया गया तो उनके भाई भी दिल की बीमारी से वहीं पर, जो उनके भाई काजू श्रीवास्तव थे वो भी दिल की बीमारी से वहीं पर ही भर्ती थे, और इसीलिए राजू श्रीवास्तव वहाँ दिल्ली में भी रुके हुए थे। लेकिन देखिए भाग्य कि वो भी, राजू श्रीवास्तव भी अस्पताल में भर्ती हुए और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। करीब 41 दिन तक उन्होंने, इस कॉमेडियन ने, अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में इस जिंदगी पर अपने हजारों लाखों दर्शकों को हंसाया। उन्होंने 21 सितंबर को इन्हीं प्रशंसकों को रुलाते हुए महज 58 वर्ष की उम्र में, जी हाँ, केवल उनकी उम्र 58 वर्ष ही थी, इस दुनिया से गुजर गए। राजू श्रीवास्तव कानपुर में 25 सितंबर 1963 को जन्मे थे और उनका असली नाम था सत्यप्रकाश श्रीवास्तव। बचपन से ही उन्हें मिमिक्री का शौक़ था। वो क्लासेस में टीचर्स की मिमिक्री करते थे और साथ ही साथ फिल्म एक्टर्स की भी मिमिक्री करते थे, खास करके अमिताभ बच्चन जो है उनकी काफ़ी मिमिक्री वो करने में माहिर थे, और इसकी वजह से उन्हें वो स्टेज शो वगैरह भी थोड़ा स्टेज पर दिखाते थे, लोगों को हंसी आती थी, तो उन्हें लगा कि इसको एक करियर बना सकते हैं। 1980 के दशक में वे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाने के लिए पहुँचे, और उनकी प्रेरणा जैसे कि बताया बिग बी यानी अमिताभ बच्चन थे। और 1985 में उन्होंने हंसना मना है एक ऑडियो कैसेट जारी की थी, तो उस वो काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, और इसके साथ ही साथ वो कल्याण जी, आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ जो स्टेज शो होते थे वहाँ पर वे मिमिक्री करते थे और लोगों को बड़ी उनकी मिमिक्री भी पसंद आती थी। उसके बाद उनको, उन्होंने कुछ छोटे मोटे रोल्स भी फिल्मों में मिले, लेकिन फिल्मों में उनका सितारा कुछ ज़्यादा चमका नहीं, लेकिन कॉमेडी के टैलेंट उनको इतनी ऊंचाई पर ले गया कि वो कॉमेडी किंग से के नाम से जाने लगे। कॉमेडी की शुरुआत तो जैसा कि बताया कि वो ऑडियो कैसेट उन्होंने हुई थी, लेकिन सही प्रसिद्धि उनको मिली 2005 में जो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज प्रोग्राम होता है टीवी पर, वहाँ पर वे रनर अप रहे। वे चैलेंज तो जीत नहीं पाए, रनर अप थे, लेकिन इंडियन लाफ्टर चैलेंज आज भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उनकी कॉमेडी की शैली में एक तरह से बड़ा, उनको भी भद्दापन नहीं होता था, उनके जोक्स काफ़ी साफ सुथरे होते थे, उनके पीछे अपना व्यंग्य भी होता था। उनके हास्य व्यंग्य की इस शैली की वजह से वे बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं का मजाक उन्हीं के सामने उड़ाते थे, और वे नेता अभिनेता हंस हंस कर दोहरे हो जाते थे उनके मजाक सुनकर। उनके मिमिक्री का अद्भुत टैलेंट था, खास करके बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने में वे खास माहिर थे, इसलिए वो एक तरह से अमिताभ बच्चन को अपना
गुरु भी मानते थे। अमिताभ बच्चन ने भी उनको बड़ा प्रेम दिया। जब ये अभी बीमार पड़े थे तो अमिताभ बच्चन प्रतिदिन उन्हें अपने वॉइस नोट्स भेजते थे और उन्हें लगता था कि शायद उनकी वॉइस नोट्स की वजह से उन्हें शायद होश आया। और एक बार उनकी आंखें खुली भी अमिताभ बच्चन के वॉइस नोट्स सुनकर। तो अमिताभ बच्चन उनके खास करके प्रेरणा थे। अमिताभ बच्चन के तो सब के ही आकर्षण की वजह से वे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी आए थे। गजोधर भैया इन्होंने अपना एक कैरेक्टर क्रिएट किया था जो कि वो एक आल्टर ईगो थे, और यह कहिए कि उनके कॉमेडी के नायक थे जिनके माध्यम से वे आम आदमी के दृष्टिकोण से हास्य व्यंग्य की लहरें पैदा कर देते थे। उनका हास्य व्यंग्य कई बार चोट भी करता था, और एक बार जब उन्होंने दाऊद इब्राहिम के बारे में मजाक किया तो दाऊद इब्राहिम को जो है दाऊद इब्राहिम है, उनको बड़ी भारी धमकियां भी मिली राजू श्रीवास्तव को, लेकिन राजू श्रीवास्तव ने इसका ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कई टीवी शोज़ बिग बॉस, नच बलिए, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, मजाक मजाक में, कॉमेडी का महामुकाबला में भाग लिया। एक तरह से उन्होंने अपनी खास शैली से इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी की भी शुरुआत की। तो ये जहाँ तक कॉमेडी का प्रश्न है उसमें तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। हर तरह से टीवी रियलिटी शोज़ में, स्टेज शोज़ में, फिल्मों में, हर जगह वो छाए हुए थे। राजनीति में भी उन्होंने थोड़ा बहुत दखल करने की कोशिश करी। समाजवादी पार्टी से 2014 में कानपुर लोकसभा के उम्मीदवार की टिकट मिली थी, लेकिन स्थानीय राजनीति के हथकंडों से परेशान होकर उन्होंने टिकट वापस कर दी थी। बाद में 2019 में उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में टिकट मिलेगी, मगर कुछ ऐसा नहीं हुआ। राजनीति और फिल्मों में तो ज़रूर देखा जाए तो राजू श्रीवास्तव को सफलता नहीं मिली, लेकिन कॉमेडी में उन्होंने लाखों लोगों को मोहा, लाखों लोगों को हंसाया वर्षों तक, और वे हमेशा उसके लिए याद किए जाएंगे। ईश्वर ने इस कॉमेडी किंग को जल्द ही अपने पास बुलाकर इन लाखों प्रशंसकों के साथ एक क्रूर मजाक कर डाला, मगर उनकी कॉमेडी, उनके जोक्स अब भी हमारे साथ रहेंगे। ईश्वर, हम यही कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आइए सुनते हैं उनकी कॉमेडी का एक हल्का सा नमूना जो उन्होंने प्रस्तुत किया था। हेलो हेलो, सचिन अच्छे लग रहे हैं। काफी लोग आए हैं, कुछ लोग पहली बार सूट पहन के आए हैं। आप नहा के आए हो? अच्छा, वाह वाह वाह, इतने अच्छे अच्छे लोग एक जमा हो गए। पता नहीं बाहर मुंबई कैसे चल रही होगी। आप कैसे हो? गंजे भरे, जल्दी टकले हो रहे? दवाई लो, दवाई लो। जोरदार तालियां मैं चाहता हूँ, एक बार अपने लिए बजाइए, स्वयं के लिए। क्या शानदार आयोजन है, बहुत बहुत बधाई। उफ, दुनिया का ये पहला आदमी है, ऊपर वाले ने इसको वो अधिकार दिया है, ये किसी की भी औरत को कह सकता है, मैडम बैठ जाइए, मैडम खड़ी हो जाइए, मैडम घूम जाइए, गर्दन नीचे कर लीजिए, साड़ी उठा लीजिए, पल्लू इधर कर लीजिए। ये है फोटोग्राफर। मीडिया चारों तरफ फैला पड़ा है, मीडिया इतना आगे निकल गया, कसम से बोल रहा हूं सर, इतना आगे निकल गया है कि इनको किसी भी हाल में बस न्यूज चाहिए। न्यूज ना मिले तो खुद ही बना ले। एक आदमी पानी में डूब रहा है, मीडिया वाले उसको बचाते नहीं है, उसके मुंह पे कैमरा घुसड़ के बोलते हैं, इस समय आपको कैसा लग रहा है? बोलते बस एक बार मुझे निकाल ले, फिर मैं चप्पल निकाल के बताऊं कैसा लग रहा है। एक आदमी बम विस्फोट में बच गया, उसको खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूं, ऐसे देख रहा है। किसी ने पूछा कैसे हो? हाँ, तुम बच गए हो? हाँ। मीडिया वाले घुस गए, उसके मुंह पे माइक घुसड़ के बोले, अच्छा ये बताइए जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? अब बोले नहीं नहीं एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा, बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। मेरी ओर देख के बम बोले फुचुक। मुंबई पुलिस के लिए कहूंगा, इसका बॉलीवुड पे इतना असर है। हमारी हिंदी फिल्मों का हीरो तभी सुपरस्टार होता है जब वो किसी फिल्म में पुलिस ऑफिसर बनता है। जंजीर, अमिताभ बच्चन।
शशि कपूर दीवार में पुलिस ऑफिसर, धर्मेंद्र प्रतिज्ञा में, विनोद खन्ना अमर अकबर एंथनी में, अजय देवगन सिंघम, आमिर खान सरफरोश। जब सलमान खान को पता चला पुलिस ऑफिसर बनने से सुपर स्टारडम आती है, तो एक बार नहीं दो बार बन गए, दबंग वन दबंग टू। ये है पुलिस का महत्व। अभी एक बेवड़ा इतना पीता था, मेरा मानना है इतनी मत पिया करो, लीवर डैमेज हो जाता है। इतनी शराब पी, आखिरी समय आ गया, मरने का समय आ गया, भगवान आए, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? प्रभु ऐसा करना है, प्रभु ऐसा करना है, अगले जन्म में दांत भले मुझे दो कम देना, मगर लीवर पूरे 32 मांगता है। एक शराबी डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर नब्ज देखी, नब्ज देख के डॉक्टर बोला, पीते हो, मंगा लीजिए। भिखारी की जो वैरायटी देखी सर, हाजी अली दरगाह में गया वहां अलग वैरायटी, मैं जाता हूं चादर चढ़ाने, फिर महालक्ष्मी मंदिर गया वहां अलग वैरायटी, हाजी अली में थोड़ा एनर्जी वाला था, या मौला कापते पापते दे दे हक मौला दे 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 बाबा दे, मैं बोला दे रहा हूं डांट क्यों रहा है, हक मौला दे दे, हाँ हाँ डरा मत, दे रहा हूं ये ले हा दे, हाँ हाँ ये ले, तूने दिया बाबा खुश हुआ, अब मांग मांग क्या मांगता है, मांग ले, मैं बोला मेरे पैसे वापस दे। महालक्ष्मी मंदिर गया, वहां थोड़ा सॉफ्ट था भिखारी, भिखारी की वैरायटी, बाबू ए बाबू 10 रुपया दे दे बाबू, रिचार्ज कराएंगे, 10 रुपया दे दे बाबू, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे। अरे वाह, भिखारी ने गर्लफ्रेंड बनाया? नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया। ये भाभी खुल के नहीं हंस रही? अच्छा डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई है, ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा मैंने तो डेकोरेट कर दिया है, ज्यादा हंसोगी तो मेरी गारंटी नहीं। थैंक यू, जोरदार तालियां पर राजू श्रीवास्तव। जोरदार तालियां राजू श्रीवास्तव के लिए, उनकी कॉमेडी के लिए। उनका आखिरी एक्ट समाप्त हो गया है, लेकिन उनकी कॉमेडी हमारे साथ रहेगी। आइए उनको श्रद्धांजलि देते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर के इस गीत के साथ, जहां भी नायक का नाम भी वहां पर राजू ही था। राज कपूर की एक फिल्म आपको याद होगी, और यह गीत उनको हम राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये गीत। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था, और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है। मेरा
लीजिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह उछल कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे? शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। जी हाँ, राजू जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कॉमेडी अभी भी हमें हंसाती रहेगी, गुदगुदाती रहेगी, उनकी याद दिलाती रहेगी। आइए, आप इस महीने था हिंदी दिवस और हिंदी दिवस मनाया गया था जोर शोर से, लेकिन अब आज के कार्यक्रम में मैं आपको हिंदी दिवस पर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी लिखी है हमारे कैनबरा के ही अपने जो लेखक हैं और कवि हैं, डॉक्टर अविधेश प्रसाद जी, और उनकी कहानी प्रस्तुत है रोहित एंड टॉमी। आशा है आपको पसंद आएगी। आइए सुनते हैं कहानी रोहित और टॉमी। ये कहानी लिखी है अविधेश प्रसाद जी ने। 10 वर्षीय रोहित अपने माता पिता के साथ मेलबर्न के संभ्रांत इलाके में रहता था। रोहित के पिता आभास और मां वर्तिका दोनों बहुत अच्छी नौकरियों में थे। वे दोनों 6 साल पहले दिल्ली से मेलबर्न आकर बसे थे। रोहित बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में 4th क्लास में पढ़ता था। वह स्वभाव से बहुत शांत बच्चा था। अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह कंप्यूटर, वीडियो गेम्स आदि में दिन रात मग्न नहीं रहता था। उसकी रुचि पुस्तकों में या फिर पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों में अधिक थी। इसके कारण स्कूल में उसके दोस्त बहुत ही कम थे। यद्यपि आभास और वर्तिका दोनों हिंदी भाषी थे, परंतु वे शायद ही हिंदी में बात करते थे। इस वजह से रोहित को हिंदी में बहुत कम आती थी। ऐसा शुरू से नहीं था। जब रोहित दिल्ली में था तो घर में हिंदी बोली जाती थी, इसलिए रोहित अपनी उम्र के मुताबिक अच्छी हिंदी जानता था। किंतु मेलबर्न आने से सब बदल गया। घर हो या बाहर, यहाँ तो हर तरफ इंग्लिश ही बोली जाती थी। इस तरह धीरे धीरे रोहित हिंदी पूरी तरह से भूल गया। रोहित जब 8 साल का था तब आभास और वर्तिका पहली बार उसको लेकर मेलबर्न से भारत लौटे थे। दिल्ली लौटने पर रोहित केवल इंग्लिश में बातें करता था। इससे उसके दादा दादी बहुत निराश हुए थे।
दोनों बहुत अच्छी इंग्लिश जानते थे, लेकिन उन्हें अपने पोते से इंग्लिश में बात करके संतोष का अनुभव नहीं होता था। उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु रोहित हिंदी में बातचीत नहीं कर पाया था। हालांकि वो बातें समझ जाता था, इससे दादा दादी को लगा उनका पोता उनसे बहुत दूर हो गया है। उन्होंने आभास और वर्तिका को नसीहत दी कि अपनी भाषा और संस्कृति बनाए रखना कितना जरूरी है। मेलबर्न वापस आने पर वर्तिका ने बहुत खोजबीन करके अपने ही इलाके में एक हिंदी स्कूल का पता लगाया, जो हिंदी सिखाने के साथ साथ सामान्य स्कूल समय यानी 3 बजे के बाद बच्चों की देखभाल भी करता था। वहां पर रोहित का दाखिला करा दिया गया। आभास रोहित को हिंदी सीखने का बहुत पक्षधर नहीं था। उसका मानना था कि हिंदी सीखने से बेहतर है कि रोहित कोई खेल सीखे या फिर पियानो बजाना या अन्य कोई कला। लेकिन जब वर्तिका ने इसका दोहरा फायदा समझाया कि रोहित के हिंदी सीखने के साथ साथ उसकी स्कूल के बाद देखभाल भी हो जाएगी, तो आभास मान गया। यह व्यवस्था वर्तिका के लिए बहुत ही अनुकूल थी। हिंदी स्कूल तक रोहित स्कूल से स्कूल बस में ही चला जाता था। वहां से घर 10 मिनट का पैदल का रास्ता था, जो रोहित आराम से चल सकता था। वर्तिका को ऑफिस से घर आने में 30 मिनट लगते थे। वह 5 बजे काम खत्म करके 5:30 बजे तक घर आ जाती थी। तब तक रोहित पैदल घर आ जाता था। हिंदी स्कूल वर्तिका के ऑफिस और घर के रास्ते की दूसरी तरफ था, इसलिए रोहित के घर पैदल आने से समय की बचत होती थी। कभी कभार वर्तिका रोहित को लेने भी आ जाती थी। इस इलाके में ज्यादातर घर बड़े थे और उनके आगे ऊंची चहारदीवारियां थीं। रोहित के घर लौटने के रास्ते में एक घर था जहां चहारदीवारी के एक किनारे में ग्रिल लगी हुई थी। वहां से एक कुत्ता रोहित को देखकर हमेशा भौंकता था, मानो उसको आवाज दे रहा हो। एक दिन कुत्ते के पास रोहित रुक गया और उससे हिंदी में बातें करने लगा। मेरा नाम रोहित है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम वर्तिका और पापा का नाम आभास है। तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? तुम मेरे दोस्त बनोगे? आदि सारी बातें जो हिंदी शिक्षिका राधा रोहित और अन्य बच्चों को बोलना सिखाती थी और कहती थी कि वे उसका अभ्यास कर घर में जरूर करें। इससे उनकी झिझक कम होगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रोहित ने घर में शुरू शुरू में अपने माता पिता के साथ हिंदी में बोलने की कोशिश की, किंतु उसके उच्चारण और गलत बोलने पर आभास बहुत हंसने लगा था और यहाँ तक कह डाला था, बेटा क्यों वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो? इससे अच्छा तो तुम कोई खेल सीखो। यह खेल खिलाड़ियों का देश है, हिंदी सीख कर भी वैसे भी क्या मिलने वाला है। वर्तिका ने भी उसे ऐसा कहने से रोका नहीं था। इससे रोहित बहुत निराश हुआ और दुखी हुआ था और डरने भी लगा था, कहीं हिंदी गलत बोला तो पापा फिर हंसने लगेंगे और डांटेंगे भी। कुत्ते के रूप में रोहित को एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था, जिसके साथ वह बिना किसी झिझक या डर के हिंदी बोल सकता था। कुत्ते का नाम टॉमी था। यह रोहित को बहुत जल्दी पता चल गया था, जब एक दिन कुत्ते की मालकिन सोफिया ने उसे कुत्ते से बात करते हुए घर की दूसरी मंजिल की खिड़की से देख लिया था और उत्सुकतावश नीचे उतर कर आई थी। सोफिया एक अधेड़ उम्र की इटालियन महिला थी, जो पति लॉरेंजो के साथ वहां रहती थी। अपने 2 बड़े बच्चों से दूर सोफिया का मन छोटे से रोहित की तरफ खिंच गया। उसे लगा कि रोहित को घर के अंदर बुलाना चाहिए, परंतु इसका कहीं कुछ गलत अंजाम ना हो, इस आशंका से उसने रोहित को घर के अंदर नहीं बुलाया था। रोहित को टॉमी से हिंदी में बात करने का बहुत इंतजार रहता था। वह हिंदी स्कूल से 10 मिनट पहले निकलने लगा। चूंकि इलाका काफी सुरक्षित था, इसलिए राधा ने कभी उसे पहले निकलने से रोका नहीं। रोहित के टॉमी से रोज हिंदी वार्तालाप का बहुत अच्छा परिणाम सामने आया था। रोहित फर्राटे से हिंदी बोलने लगा था और गलतियां भी बहुत ही कम करता था। राधा उसकी प्रगति से बहुत प्रभावित थी। एक दिन जब वर्तिका रोहित को खुद लेने आई तो राधा ने रोहित की बहुत तारीफ की और वर्तिका को भी शाबाशी दी कि उनका बच्चा बहुत अच्छी हिंदी सीख रहा है। राधा ने वर्तिका से कहा, रोहित को भारतीय दूतावास के आगामी हिंदी दिवस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। वर्तिका ने राधा को आभास से पूछकर बताने का वादा किया। आभास इस शर्त पर तैयार हुआ कि न तो वह
न वर्तिका और न ही रोहित इसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत करेंगे। रोहित को स्कूल की पढ़ाई भी बिल्कुल प्रभावित न हो यह रोहित की बहुत सख्ती दायित्व थी। वर्तिका की अनुमति मिलने पर राधा बहुत खुश हुई क्योंकि उनके यहाँ 15 हिंदी सीखने वाले बच्चों में सबसे अच्छी हिंदी रोहित की ही थी। राधा के हिंदी स्कूल से कुल 5 बच्चे भाग ले रहे थे। अन्य हिंदी स्कूलों को मिलाकर कुल 20 बच्चों का कार्यक्रम था। रोहित को 3 मिनट का भाषण देना था जिसे राधा ने लिखा था। 1 महीने की तैयारी के दौरान रोहित बहुत अच्छा काम कर रहा था, अतः राधा उसके प्रदर्शन के लिए आश्वस्त थी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चे पहले हिंदी स्कूल आए जहां वर्तिका रोहित को छोड़कर गई थी। राधा बच्चों को अपने साथ दूतावास ले गई। रोहित को लग रहा था कि वह राधा और अन्य बच्चों के साथ अन्य दिनों की तरह ही कहीं रहेगा। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो रोहित काफी खुश था। अपनी बारी पर उसने भाषण बहुत अच्छे से शुरू किया, परंतु थोड़ी ही देर में दरवाजे से घुसते अपने पिता को देखकर रोहित मूर्तिवत हो गया और आगे का भाषण बिल्कुल भूल गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। राधा ने वर्तिका के साथ मिलकर बहुत मुश्किल से उसे शांत कराया। कार्यक्रम समाप्त होने पर राधा पुनः वर्तिका के पास गई और उसे सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, आप इसे अन्यथा ना लें। घर लौटते समय आभास ने रोहित को बहुत भला बुरा कहा क्योंकि उसे बहुत बेइज्जती का अनुभव हुआ था। बहुत मुश्किल से वर्तिका ने आभास को समझाकर शांत किया। आभास फिर कहने लगा, रोहित को हिंदी सीखना समय और पैसे की बर्बादी है। परंतु वर्तिका ने अपने काम और रूटीन का हवाला देते हुए आभास को समझा लिया कि वह इसे रोहित के हिंदी सीखने के बजाय स्कूल के बाद उसकी देखभाल जैसा समझे। बात फिर आई गई हो गई। हिंदी दिवस की घटना के कुछ महीनों बाद एक दिन रोहित जब हिंदी स्कूल से घर लौट रहा था तो उसे टॉमी नहीं मिला। उसने सोचा कि टॉमी कहीं गया होगा, आ जाएगा, लेकिन जब 4-5 दिनों तक टॉमी नहीं मिला तो रोहित बहुत उदास हो गया। वो बहुत चुप चुप रहने लगा। पढ़ाई में अब उसका ध्यान नहीं लगता था। इसके कारण उसका रिजल्ट खराब होने लगा। उसकी क्लास टीचर और राधा दोनों ने वर्तिका से पूछा कि रोहित हमेशा क्यों उदास रहता है। पहले तो वर्तिका ने खास ध्यान नहीं दिया, किंतु 2 जगहों से बात उठने पर उसने रोहित से पूछा कि उसे क्या परेशानी है, परंतु रोहित ने कुछ नहीं बताया। पहले एक बार जब वर्तिका रोहित को कार में हिंदी स्कूल से घर ले जा रही थी तो रोहित ने टॉमी के घर के पास रुकने को कहा था। इस पर वर्तिका ने झड़क दिया था कि ऐसे किसी घर के पास गाड़ी रोकना गलत है। रोहित ने घर में कभी नहीं बताया था कि वह टॉमी से हिंदी में बातें करता है। उसे डर था कि पापा बहुत डांटेंगे और टॉमी से मिलना भी बंद करवा देंगे। इसी कारण से वह अभी भी नहीं बता रहा था। धीरे धीरे रोहित बीमार रहने लगा तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, परंतु जांच में कुछ भी पता नहीं चला। डॉक्टर ने वर्तिका को उसके दोस्तों से पता करने को कहा, शायद स्कूल में कुछ हुआ हो, परंतु उसके दोस्तों से भी कुछ पता नहीं चला। वर्तिका को आशंका हुई, कहीं उसे कोई ऑनलाइन तो नहीं तंग कर रहा है। रोहित का अपना स्कूल के अलावा और कोई ऑनलाइन अकाउंट भी नहीं था। फिर भी आभास ने उसके आईपैड और कंप्यूटर को जांचा, कहीं कुछ नहीं मिला। इधर रोहित की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था तो उसे फिर डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने रोहित को किसी मनोवैज्ञानिक से दिखलाने को कहा, जहां 2 सप्ताह के बाद समय मिला। इस बीच वर्तिका को एक रात रोहित के कमरे से रोने की आवाज आई। जब उसके कमरे में गई तो देखा रोहित नींद में रोते रोते बड़बड़ा रहा था, टॉमी तुम कहां चले गए, मैं तुमको बहुत मिस करता हूं। उस रात फिर वर्तिका रोहित के साथ ही सोई। अगले दिन बहुत प्यार से वर्तिका ने रोहित से टॉमी की पूरी कहानी मालूम की। अब टॉमी के लिए उसकी मालकिन सोफिया को ढूंढना था। आभास और वर्तिका को सोफिया के बारे में पता लगाने में 1 सप्ताह लग गया। शहर के दूसरे कोने में उनके एक रिश्तेदार से उसका व्हाट्सएप नंबर मिला। संपर्क करने पर पता चला कि दोनों दुनिया घूमने निकले हैं और टॉमी अब मेलबर्न से 200 किलोमीटर दूर शेपर्टन में लॉरेंजो के माता पिता के पास है। रोहित के बारे में सुनकर सोफिया बहुत दुखी हुई और कहा, जल्दी ही रोहित को टॉमी से मिलवाने का बंदोबस्त करेंगी।
रोहित को वर्तिका ने जब बताया कि टॉमी का पता चल गया है और वे सब उससे मिलने जाएंगे तो वो बहुत खुश हुआ। अगले शनिवार ही आभास, वर्तिका और रोहित शेपर्टन के लिए निकल पड़े। आभास इस बात से थोड़ा खफा था, नाराज था कि एक कुत्ते के कारण रोहित बीमार हो गया है और 200 किलोमीटर दूर जाकर उससे मिलना पड़ रहा है। खैर, रोहित के स्वास्थ्य के लिए जरूरी था, इसलिए आभास ने यह नाराजगी जताई नहीं। लॉरेंजो के माता पिता काफी बूढ़े थे और उन्हें इंग्लिश भी बहुत कम आती थी। वो अपने फार्म हाउस के गेट पर ही इंतजार कर रहे थे। आभास, वर्तिका और रोहित को वे अंदर ले गए। रोहित को दूर से ही टॉमी दिख गया तो उसकी ओर दौड़ पड़ा। टॉमी भी रोहित को देखकर बहुत खुश हुआ। अंदर लॉरेंजो के माता पिता आभास और वर्तिका को औपचारिकताओं के बाद बातें करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वे अपने बीच कुछ भी सामान नहीं पा रहे थे जिसके बारे में वे बात कर सकें। वहीं बाहर रोहित टॉमी से लिपटकर बातें कर रहा था। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए टॉमी, मैंने तुमको कितना मिस किया आदि, न जाने कितनी कितनी बातें रोहित किए जा रहा था। और टॉमी भी ऐसे सुन रहा था जैसे उसकी सारी बातें समझ रहा हो। वह भी रोहित से गू 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 करके बातें कर रहा था और दोनों की आंखों में आंसू थे। आशा है रोहित और टॉमी की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मार्मिक कहानी और भाषा का भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुति की थी डॉक्टर अवधेश प्रसाद ने। आइए एक गीत सुनते हैं। ये आवाज़ थी पंकज उदास की और ये इस नज़्म को या गीत को यहाँ पर इसका म्यूज़िक वीडियो ऑस्ट्रेलिया में शूट हुआ था।
अब आइए हम श्रद्धांजलि देते हैं अपने एक कैनबरा के सीनियर सिटीजन श्री हेमंत कलशीकर, जिनका निधन पिछले दिनों हुआ। वे एक वरिष्ठ और जाने माने सीनियर सिटीजन थे। वे सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन में काफ़ी सक्रिय थे। उनकी आयु 91 वर्ष थी। हम अक्सर मेरी कहानी नाम की पुस्तक, जिसमें कैनबरा के सीनियर सिटीजन्स की जीवन कथाएँ हैं, उनमें से हम अपने कार्यक्रम में लोगों को बुलाते रहे हैं। तो वो जो पुस्तक जो थी मेरी कहानी, उसके प्रेरणा स्रोत भी हेमंत जी थे, और उनकी खुद की कहानी भी इसमें सम्मिलित है। उनसे बातचीत करने का तो इस कार्यक्रम में मौका नहीं मिला, लेकिन उनके कहानी के कुछ भाग मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। हेमंत जी का जन्म अहमदाबाद में 23 मई 1931 को हुआ था। आपको याद ही होगा कि 1931 का समय डिप्रेशन का समय था, और इस डिप्रेशन के समय में बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। उनके पिता भी नौकरी की तलाश में थे, और इसी नौकरी की तलाश में दिसंबर 1931 में वे तंजानिया गए थे। वहाँ हेमंत जी के माता पिता को टीचर्स की वहाँ पर नौकरी मिली। हालांकि उनके पिता जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्हें टीचर की नौकरी पसंद नहीं थी, लेकिन क्या कर सकते थे। हेमंत जी की नज़र बचपन से बहुत ही कमज़ोर थी, और उन्हें मायोपिया था, परंतु उन्होंने अपनी इस ख़राब नज़र के बारे में किसी को बताया नहीं। उनको ये डर था कि अगर वो बताएंगे तो उन्हें क्रिकेट और हॉकी खेलने को नहीं मिलेगा। क्रिकेट और हॉकी वो बहुत खेलना चाहते थे। हालांकि उनको स्कूल में इस ख़राब नज़र की वजह से और क्रिकेट और हॉकी खेलने में काफ़ी तकलीफ़ भी होती थी, दिखाई नहीं देता था। वो मेमोरी से ज़्यादा काम करते थे, ज़्यादा तरक्की दिखाने के बाद। और करीब जब वो 9वीं क्लास में पहुँचे, तो तब जाकर उन्होंने माता पिता को बताया कि उनकी आँखें की उनकी दृष्टि बहुत कमज़ोर है। तब उनका चेकअप कराया गया तो पता चला वो -5 उनकी नज़र थी ना, और काफ़ी उस समय बच्चे ही थे, -5 काफ़ी कमज़ोर नज़र होती है। तो इसके बाद उन्हें काफ़ी मोटा चश्मा पहनना पड़ा। बाद में इसका उनको पछतावा भी हुआ कि शायद वो पहले बता देते तो उनकी नज़र इतनी कमज़ोर नहीं होती। तो उनके माता पिता जो तंजानिया गए थे, 2.5 वर्ष के बाद वे तंजानिया से युगांडा चले गए थे। वहाँ पर उनको वहाँ पर नौकरी मिली थी, और यहीं वहीं पर ही हेमंत जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी। और सीनियर कैम्ब्रिज स्कूल करने के बाद वे लंदन में लिंकन इन में पढ़ाई करने गए थे, लॉ की पढ़ाई करने गए थे, कानून की। हालांकि उन जब वो लिंकन इन में पहुंचे तो पता चला कि सारे ईस्ट और अफ्रीकन कॉलोनीज़ के ही बच्चे वहाँ पर थे जो लॉ पढ़ रहे थे। तो तब उन्हें थोड़ा चिंता हुआ कि उनका करियर का क्या होगा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। अब ये देखिए, संयोगवश की उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी ब्रिटेन में, और वहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ें चल रही थीं, काफ़ी परेशानी का समय था। तो देखिए, वहाँ पर हर चीज़ जो उस समय राशन से मिलती थी, सारा खाना पीना गिन गिन के मिलता था, कितने चॉकलेट, कितने खाना पीना, सब तरह की चीज़ों पर राशन था। इसके अलावा नहाने की अनुमति हफ्ते में केवल एक ही दिन मिलता था, कि एक ही दिन नहा सकते थे। अब हेमंत जी काफ़ी परेशानी में पड़ गए। वो ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, रोज़ नहाने की आदत हर एक को ही होती है, हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने की। यहाँ पर तो उनको इस दौरान हफ्ते में एक नहाना, साथ ही साथ जो अपने अंडर क्लोथ्स होते थे उसको एक हफ्ते वहाँ पहनना पड़ता था। तो उनका ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है। तो वो, लेकिन वो काफ़ी रिसोर्सफुल थे, तो उन्होंने तय किया कि एक अपना जिम ज्वाइन कर लेते हैं। और जिम ज्वाइन जो करने के साथ ही साथ उन्होंने तय किया कि एक उसके साथ ही हॉकी क्लब भी ज्वाइन कर लेते हैं। और जिम और हॉकी क्लब में ज्वाइन करने का उनको ये फ़ायदा हुआ कि उनको दो और शावर करने की अनुमति मिली। तो ये सब करने की वजह से उनको लगा कि ये तो बड़ी तकलीफ़ की वजह है, और उसका पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वे वापस युगांडा जाना चाहते थे जितनी जल्दी हो सके। वापस आए युगांडा में, और उनको अपनी लीगल करियर की प्रैक्टिस करने में काफ़ी शुरू में तकलीफ़ हुई, क्योंकि इतना लॉ करियर इतना आसान नहीं था शुरुआत करना। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी लीगल प्रैक्टिस थोड़ी जमी, और उनकी आर्थिक हालात भी सुधरी। फिर वह भारत आए शादी करने के लिए। 18 सितंबर 1955 को उनकी शादी जयश्री कैलशीकर से हुई।
वापस दोनों कंपाला युगांडा में आए। हेमंत जी को फिर से अपनी लीगल प्रैक्टिस जमानी पड़ी, हालांकि जो मुश्किलें चल रही थी उनको अपनी प्रैक्टिस जमाने में उसका शेयर उन्होंने जयश्री जी के साथ नहीं किया, मगर धीरे धीरे उनका परिवार फिर लीगल प्रैक्टिस जम गई और काफ़ी जो उनका परिवार उनका जीवन अच्छा ही चल रहा था। लेकिन बाद में फिर युगांडा में राजनीतिक अस्थिरता शुरू हो गई, इनस्टेबिलिटी शुरू हो गई। मिल्टन ओप्टे जो कि 1966 में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने सत्ता हथिया ली और उनका ये कहना था कि जो बिजनेसेस हैं सारे वो अफ्रीकन्स के हाथ में होने चाहिए, भारतीयों के हाथ में नहीं होने चाहिए। तो हेमंत जी को लगा कि यहाँ पर रहना लंबे समय तक रहना ठीक नहीं है और वहाँ से उन्होंने तलाश की और उनको मालूम पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन दिया जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उस समय इमिग्रेशन चल रहा था ज़ोरदार तरीके से। और जब मिल्टन ओप्टे तो अभी थे ही, उसके बाद युगांडा के ईदी अमीन ने 1966 में वो सत्ता उनसे भी हथिया ली और उसके बाद जो ईदी अमीन ने अत्याचार करना शुरू किए, सब भारतीयों को निकाला शुरू किया। लेकिन हेमंत जी की दूरदर्शिता अच्छी थी, उनको ऑस्ट्रेलिया का वीसा मिल चुका था, वे ऑस्ट्रेलिया में आए। 1971 में हेमंत जी ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, वे पहले एडिलेड में रहे क्योंकि वहाँ उनकी लीगल क्वालिफिकेशन रिकोगनाइज की गई थी। वहाँ उन्होंने लीगल फर्म में काम करना शुरू किया। एडिलेड में वे और उनका परिवार सेटल तो हो गया था और अच्छे मित्र भी बन गए थे, लेकिन लीगल फर्म में उनके करियर में भविष्य ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने फिर कैनबरा में अटर्नी जनरल में जॉब के लिए अप्लाई किया और वो उन्हें नौकरी मिली अटर्नी जनरल में कैनबरा में। वो कैनबरा में 1974 में, जी हाँ 1974 की जरा याद कीजिए, 1974 बहुत जब ज़्यादा भारतीय नहीं थे वहाँ पर, तब वो आए और वहाँ पर यहाँ पर इनका जीवन अच्छे से चला। कैनबरा में हेमंत जी इंडियन कम्युनिटी के पायोनियर रहे, एक पब्लिक सर्विस में फिर 1989 तक पब्लिक सर्विस में उन्होंने काम किया, फिर हेल्थ ग्राउंड्स पर रिटायर हुए। उनका परिवार अच्छे से यहाँ पर जमा, खास करके कैनबरा में, एडिलेड से आने के बाद कैनबरा का मीठा पानी उन दो पूरे परिवार को बड़ा अच्छा लगा। उनका परिवार भी, उनका एक बेटा श्याम है, उनकी बेटी प्रतिभा है, श्याम और मेघा, श्याम के एक बेटा है प्रशांत और प्रतिभा और संजीव जैन की जो दो जुड़वा बेटी नीरांजलि और स्वरंजलि हैं। तो हेमंत जी ने एक फुलफिलिंग जीवन व्यतीत किया, उनकी 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। आइए उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को हम संवेदनाएं देते हैं और उनके जीवन को सेलिब्रेट करते हैं इस गीत के साथ। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाव धूप, ये जीवन है। ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप किशोर नंगरानी आपसे विदा लेते हैं। यह कार्यक्रम आप फिर सुन सकते हैं दोपहर को 3 से 5 के बीच में, और कार्यक्रम सुनते रहिए, रेडियो मनपसंद 2400 घंटे सातों दिन आपके साथ चलता रहता है। नमस्कार। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया